Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT English Class 5 Unit 1 Chapter 2. The chapter name is Wonderful Waste. Chapter ka naam kya hai? Adbhut Apshisht, matlab anupyogi cheez hai. To lesson ko shuru karne se pehle kuch meanings hai, wo dekh lete hain. Grand means shandar. डिनर मीन्स रात का खाना या रात्रि भोज. एंटर मीन्स प्रवेश करना. सर्वे मीन्स मुआयना करना या निरीक्षण करना. डिशेस मतलब पकवान. फीस्ट मतलब दावत. स्क्रैप्स मतलब बचा कुचा सामान. रिप्लाइड मतलब जवाब देना. वेस्ट मीन्स कचरा. बिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े. स्ट्रेनली मतलब शक्ति से. वाह का भी मतलब चले जाना. इन अ फिक्स मतलब कन्फ्यूज हो जाना, असमंजस की स्थिति में पड़ जाना. स्टेयरिंग घूरना या एक टक लगा कर देखना. फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, अचानक दिमाग में आ जाना. तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, बचा कुचा सामान होता है, वो काफ़ी यूजफुल हो सकता है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. आप खुद इस स्टोरी से पता कर सकते हैं. आइए तो स्टार्ट करते हैं लेसन को. वंस एक बार द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार भोज का या डिनर का आयोजन आदेश दिया. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर के पहले दोपहर में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर फीस्ट. महाराजा रसोई घर में उन पकवानों का मुआयना करने के लिए आए जो भोज के लिए, जो डिनर के लिए तैयार किए गए थे. What are you going to do with these vegetable scraps? आप इस scraps का क्या करने जा रहे हो? He asked the cook, pointing the breakfast scrap near the cook. ठीक है ना? तो पास के रखे कचड़ों की टोकरी की ओर इशारा करते हुए पूछा रसोइये से. द कुक रिप्लाइड, रसोइये ने रिप्लाई किया, जवाब दिया. दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. वे जो हैं कचरा है और हम इसे फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल. तुम सब्जी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे. तो महाराजा जो है शक्ति से आदेश देते हैं और कहते हैं कि इसका उपयोग में लाने का उपाय ढूंढो. द कुक वाज इन अ फिक्स. जो कुक है असमंजस में पड़ गया. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स समटाइम, और वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुछ देर तक देखता रहा, निहारता रहा. सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब आया. He took all the vegetable bites. वह सब्जियों के सभी छोटे छोटे टुकड़ों को लिया. Washed them and cleaned them well. और उसे धुला और साफ किया. Next. Then he cut them into long strips. फिर वह जो है उन्हें
लंबी लंबी पत्तियों में कट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. वह जो है उन्हें एक बड़े से बर्तन में डाला और उसे आग में पकने के लिए रख दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chili and garlic together. फिर वह कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और गार्लिक को इकट्ठा पीसा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। अब वह जो है क्या किया, कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट को मिलाकर पीसा और पेस्ट और नमक पकती हुई सब्जियों में डाल दिया। नेक्स्ट, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। बर्तन से लुहावने वाली सुगंध निकलने लगी। नाउ ही हैव्ड हिप्ड सम कर्ड एंड एडिड टू करी। अब उसने थोड़े दही को फेंटा और उसे कढ़ी में मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने नारियल के कुछ चम्मच तेल भी डाला और कढ़ी पत्तों से उसे सजा दिया। Lo and behold, lo, देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नया पकवान जो है तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। ठीक है, तो रसोइये ने इस नए पकवान को उस शाम आए अतिथियों को, गेस्ट को परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। प्रत्येक अतिथि इस नए पकवान का नाम जानने को इच्छुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, जो रसोइया था, कुक था, वह सोचता रहा। देन अ नेम कम हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, अवियल। अब जो है उसका नाम उसने अवियल रख दिया। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर द केरला। जो अवियल था वह पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरल फीस्ट। अब यह केरल के पारंपरिक भोजन में परोसे जाने वाले पकवानों में से एक है। एंड इमेजिन, सोचो जरा, इट ऑल कम फ्रॉम बास्केट ऑफ वेस्ट। यह जो है सब कचरों की टोकरी से ही आया है। तो मीनिंग्स जो हैं, स्ट्रिप्स, टुकड़े, कतरने, ह्यूज बहुत बड़ा, ग्राइंड पीसना, टेम्प्टिंग लुहावने वाला, विप्ट फेंटना, प्योर उड़ेलना डालना, डेकोरेटर सजाना, ईगर इच्छुक, फेमस प्रसिद्ध, ट्रेडिशनल पारंपरिक। तो आइए इस लेसन से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। पैलेस में किस चीज़ की तैयारी हो रही थी। तो देयर वर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। पैलेस में शानदार दावत की तैयारियां हो रही थीं। व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन आफ्टरनून। राजा जो है दोपहर में किचन में क्यों गया। ही वेंट इनटू द किचन टू मेक अ सर्वे ऑफ डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिनर। तो
तो राजा जो है वह किचन में सर्वे करने के लिए गया, जो कि उस डिनर में पकवान तैयार हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैड कुक प्लान्ड टू डू विथ वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक है, रसोईया, उस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या बनाने का प्लान किया था? द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक था वह वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक डिश। इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो डिश बनाने का एक चीज़ें होती हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स। तो नीचे दिए गए बॉक्स में एवियल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसको क्या करना है, तुमको सर्कल करना है। चिलीज लगेगा, कोकोनट लगेगा, गार्लिक लगेगा, ग्राउंड नट नहीं लगेगा, रोस्टेड पीनट्स नहीं लगेंगे, ब्रोकन बेंगल्स नहीं लगेगा, वुड लकड़ी नहीं लगेगा, कर्ड लगेगा, बास्केट भी नहीं लगेगा, वेजिटेबल स्क्रैप्स लगेगा, और पॉट नहीं लगेगा, करी लीव्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। एवियल का नाम किसी ने नहीं सुना था। ट्रू। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। फॉल्स। कुक जो है उसको यूज करने वाला नहीं था। ठीक है, रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन। जो रेसिपी होती है वो डायरेक्शंस की एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है, टू प्रिपेयर अ डिश, किसी भी डिश को बनाने के लिए, किसी पकवान को बनाने के लिए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर प्रिपेयरिंग ए वियल। तो जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं वो सही क्रम में नहीं है ए वियल बनाने के लिए। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो उनका आपको सही ऑर्डर में नंबर करना है। ठीक है, तो पहले ये आएगा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल ऑफ बिट्स। जो मिश्रित सब्जियों का छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको धुलो और साफ करो। फिर कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। फिर सब्जी के स्क्रैप्स को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में पट्टियों में काटो। थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट्स, ग्रीन चिली एंड गार्लिक। फिर क्या करो, नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को पीसो। फिर हिप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। फिर कुछ दही फेंटो और उसमें मिला दो। फिर प्योर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। फिर उसके बाद कुछ कोकोनट ऑयल डालो उसमें। फिर डेकोरेट विद करी लीव्स। फिर करी लीव्स से सजा दो। एवियल इज रेडी। गिवन इन द बॉक्सेस आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। जो बॉक्सेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल पहुंचने के बाद करते हैं। चूज फाइव थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। आपको पांच चीज़ें चूज करना है जब आप स्कूल से घर पहुंचते हैं। राइट इन देम इन ऑर्डर, और उन्हें ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये पांच चीज़ें हम बता देते हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग। पहले मैं स्कूल बैग रखता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। फिर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। देन आई वॉश अप। फिर हाथ मुंह धुलता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लंच। फिर उसके बाद लंच करता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। लेट्स टॉक में क्या है, महाराजा वाज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। महाराजा जो था बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने वेजिटेबल स्क्रैप को
फेंकने की बजाय पकाने के लिए बोला, ठीक है। नेम सम ऑफ थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट योर होम और स्कूल। आप उन चीज़ों का नाम लिखिए जो आपके स्कूल में और घर में फेंके जाते हैं। तो स्कूल में क्या क्या फेंका जाता है? स्क्रैप्स ऑफ पेपर, पेपर का कचड़ा टुकड़े, लेफ्टओवर फूड, बचा कुचा भोजन। होम, घर में वेजिटेबल स्ट्रैप्स, स्क्रैप्स, सब्जियों का कचड़ा, लेफ्टओवर फूड और बचा हुआ भोजन, ठीक है। तो सिट इन ग्रुप ऑफ फोर एंड थिंक इंटरेस्टिंग वे विच दे कैन बी मेड यूजफुल। चार के ग्रुप में बैठना है और रुचिकर तरीके से सोचना है कि उसका क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है। पुट अप योर फीलिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। आप अपनी फीलिंग जो है क्लास बोर्ड के बोर्ड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेयर वर्क है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ वर्ड हैं जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट, पॉइंट का इशारा भी होता है और इशारा करना भी होता है और बिंदी भी होता है, ठीक है। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी। इनको आपको इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी में देखना है। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, और उनकी लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ग्राउंड, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है इसका। एक ग्राउंड मतलब होता है मैदान और एक ग्राउंड मतलब होता है पीसना। सर्वे, निरीक्षण और निरीक्षण करना। स्क्रैप, कचरा और फेंकना। स्ट्रेंगली, सख्ती से, और टेम्पटिंग, लुहावने वाला। तो इसका आप मीनिंग डिक्शनरी से और भी ढूंढ सकते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर फ्रॉम रूट वर्ड। आपको मेन शब्द में, रूट वर्ड में क्या करना है? कुछ चीज़ें जोड़ना है और हटाना है। और सम आर डन फॉर यू, कुछ जो है आपके लिए किया गया है। तो ई डी लगाना है, आई एन जी, ई आर और ई एस टी, ठीक है। तो पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, ठीक है। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। डू एनी ऑफ दिस वर्ड यूज ऑल फोर एंडिंग्स। क्या आप इनमें से कोई ऐसे शब्द हैं जिनका चारों में यूज करते हो? यस, दिस वर्ड आर टेस्टी एंड क्लीन, ठीक है। तो दो शब्द हैं टेस्टी और क्लीन, जिनका यूज हम चारों रूपों में करते हैं, ठीक है। नेम दैट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। आपके घर में जो फूड बनता है उसका नाम बताओ। फेस्टिवल के लिए डोसा एंड सांभर। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार पड़ते हो, तो बॉइल्ड राइस, खिचड़ी और सब्जी। एवरीडे, रोज क्या बनता है? रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड, ये इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। एवियल इज अ डिश मेड इन केरला। एवियल एक ऐसा पकवान है जो कि केरला में बनाया जाता है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल। तो आपके पास भी ऐसी कोई सिमिलर डिश है जो आपके स्टेट में मिक्स वेजिटेबल से बनती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड, भुग्गी भाजी। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स टू मेक इट। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल टू मेक इट, ठीक है। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली, आपको आकर्षक तरीके से इसको प्रस्तुत करना है। डिस्प्ले ऑन दिस क्लास बोर्ड, इसको आपको क्लास बोर्ड में डिस्प्ले करना है। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर टू, आप इसका पिक्चर भी बना सकते हैं और चिपका भी सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है,
इसकी रेसिपी क्या है तो आप रेसिपी भी बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉइल ऑल वेजिटेबल इन अ प्रेशर कुकर। सबसे पहले हमको प्रेशर कुकर में सभी सब्जियों को उबाल लेना है। देन पुट ऑल द बॉइल्ड वेजिटेबल इन अ पैन। फिर हमको उबला हुआ पूरा वेजिटेबल एक पैन में डाल देना है। प्योर अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कीप स्टरिंग, और उसमें कुछ पानी डाल देना है और उसे हिलाते रहना है फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक। यू कैन देन एड ग्रीन चिलीज एंड पिंच ऑफ साल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर उसमें आप कुछ हरी मिर्च और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। आई थिंक दिस लेसन इज़ कम्प्लीट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू।